अस्सलाम वालेकुम, क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज सीएम पंजाब बनने के बाद मुख्तलिफ जगहों का दौरा करती नजर आई। कभी वो थाने में पहुंची तो कभी हॉस्पिटल में पहुंची, और आज उनका विजिट रहा एक सरकारी स्कूल का। वहां पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली जिसे हम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज की एंट्री होती है और आते साथ फर्स्ट बेंच पर आती हैं और आकर ऐसे जाहिर करती हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं। वो बुक को उठाती हैं और उठाते साथ ही ऐसे उसको खोलकर देखती हैं जैसे उन्होंने कोई 10 का नोट इसमें रखा हो और वो भूल गई हो कि कौन से सफे में रखा। खैर, इतने में कैमरामैन इशारा करता है कि मैडम आगे आइए, और वो आगे की तरफ रवाना होती हैं। यहाँ पर आप जरा गौर फरमाइए कि मरियम नवाज के लिए चौथे बेंच पर एक बच्ची को मास्क पहनाकर बिठाया गया है और बिल्कुल दीवार के साथ बिठाया गया है ताकि मरियम नवाज आकर बैठ सके। खैर, वो आती हैं और आते साथ ही उस बच्ची को मतवजा करती हैं कि बेटा देख लो, मैं आई हूँ, मेरी तरफ देख। और फिर कैमरा के सामने उसका बैग उठाकर साइड पर किया जाता है और उससे अपनी तरफ मुतवजा किया जाता है। अगली रो में भी बच्चियों को मास्क लगे हुए हैं। जी हाँ, मास्क लगे हुए हैं, इसीलिए लगे हैं कि कहीं कोई बीमारी मरियम नवाज को ना लग जाए। और इस तरह ड्रामा क्वीन का एक और ड्रामा फ्लॉप। अगले ड्रामे तक के लिए इजाज़त चाहते हैं अल्लाह ने के बाद।